हेलो एवरीवन, हम लोग आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5, दैट मींस प्रोविजंस रिलेटिंग टू अरेस्ट। सीआरपीसी के सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं और हम लोग चैप्टर 5 के सेक्शन 41 से 54 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड्स को मिस किया है तो आपको उन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके सीआरपीसी का आप वहां भी उस लेक्चर्स को देख सकते हो। मैं आप लोगों से हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि अपने पास लेक्चर को देखते सुनते वक्त वेयर एक्ट जरूर रखें, टेक्स्ट बुक जरूर रखें, नोटबुक जरूर रखें, और लेक्चर को पूरा देखें और थोड़ी देखने के बाद जो भी बातें बोर्ड पर लिखी गई होती है और जो भी मैं आपको बोलता हूं उसे आप उस वक्त ही राइट डाउन कर लो, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जाम के तैयारी में लगे हुए हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बातों को तोड़ तोड़ के समझाने का कोशिश करता हूं। आज के एपिसोड को शुरू करें, आज चैप्टर 5 के आगे की प्रोविजंस को कवर करेंगे, तो शुरू करें आज के एपिसोड को। उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ, नीचे आपको मिलेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिले। अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 54A से, क्योंकि सेक्शन 54 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहला बात कि सेक्शन 54A को सीआरपीसी में कब जोड़ा गया, तो बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इंसर्ट किया गया है सीआरपीसी में सेक्शन 54A। सेक्शन 54A हमें बताता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के कंसेप्ट के बारे में, टीआई परेड जिसको हम लोग कहते हैं इन शॉर्ट। तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जो प्रोविजन है सीआरपीसी में वो डील करता है सेक्शन 54A में, लेकिन इसके साथ साथ आपको टीआई परेड का जो कॉन्सेप्ट है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको एविडेंस एक्ट में भी देखने को मिलेगा सेक्शन 9। सेक्शन 9 को और सेक्शन 54A सीआरपीसी और सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ना पड़ता है। ये देखने में लग रहा है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है नहीं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाने का कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा कोई ऑफेंस हुआ, अपराध करने वाला व्यक्ति कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है पुलिस को, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके पुलिस को, कोई अन्य व्यक्ति आके, कोई तीसरा व्यक्ति आके पुलिस को ये कहता है कि जो अपराध के रिस्पेक्ट में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो व्यक्ति जिसने अपराध किया वो कौन है उसको हम जानते हैं, तो यहां पर जो तीसरा व्यक्ति है वो क्या करेगा या उसका इस्तेमाल करके पुलिस क्या करेगी, एक्यूज्ड का पता लगाएगी कि क्या वाकई में कौन व्यक्ति है जिसने अपराध किया है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है पुलिस के द्वारा, तो वाकई में क्या वही व्यक्ति है जिसने ऑफेंस किया था, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तीसरे व्यक्ति से उस पर्सन अरेस्टेड को आइडेंटिफाई किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोर्ट के आदेश पे। ये तो हो गया इसका मूलभूत कंसेप्ट, लेकिन प्रोविजनली समझिए कि क्या कहता है सेक्शन 54A। तो आइए इसके बात करते हैं प्रोविजंस पे। कहता है पर्सन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, मतलब कभी भी अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है किसी अपराध के करने के रिस्पेक्ट में, अपराध का यहां पे नेचर नहीं बता रहा है, अपराध कॉग्निजेबल भी हो सकता है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकता है, वेलेबल नॉन वेलेबल भी हो सकता है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल भी हो सकता है, तो कोई भी अपराध के रिस्पेक्ट में अगर व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद आगे जब देखोगे तो आगे का पॉइंट आप देखो, नोट करो, कहता है कि अब यहां पे उसका आइडेंटिफिकेशन किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवश्यक है इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में, इस बात को निरीक्षण करने के लिए कि क्या वाकई में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति ने ही यह अपराध किया है, इस बात को प्रूव करने के संदर्भ में यहां पे आइडेंटिफिकेशन होगा किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा। अब यहां पे तीसरे व्यक्ति के द्वारा पर्सन अरेस्टेड को आइडेंटिफाई कराया जाएगा तो इसके लिए कोर्ट का परमिशन चाहिए, तो कोर्ट का परमिशन चाहिए, तो कोर्ट का परमिशन कौन लेगा जाके, तो कोर्ट का परमिशन लेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन, जो थाना अध्यक्ष होंगे वो कोर्ट का परमिशन लेंगे, किस कोर्ट का, जिसका क्षेत्राधिकार होता है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उस अपराध के संदर्भ में।
अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कोर्ट अगर अनुमति दे देती है पुलिस ऑफिसर को, तो उसके बाद उस पर्सन अरेस्टेड को लाइन में खड़ा किया जाएगा और जो तीसरा व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा है उसके सामने उसको लाया जाएगा और उस तीसरे व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इनमें से क्या कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, क्या अरेस्ट जिस व्यक्ति को किया गया क्या वही व्यक्ति एक्यूज्ड है अपराधी अपराध का। तो ये होगा आइडेंटिफिकेशन का तरीका। अब यहां पे जो लास्ट नंबर पॉइंट है कि जो व्यक्ति आइडेंटिफाई कर रहा है वो किस मैनर में आइडेंटिफाई करेगा, तो कहता है कि उस मैनर में आइडेंटिफाई करेगा जो उचित होगा। और ये तय कौन करेगा, ये कोर्ट तय करेगी कि क्या उचित तरीका है आइडेंटिफिकेशन का। तो ये हो गया सेक्शन 54A का होल कंसेप्ट। इसका जो प्रोविजो है इसको जोड़ा गया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में, 2013 में प्रोविजो को जोड़ा गया है। आइए देखते हैं प्रोविजो क्या करता है। तो पहला जो प्रोविजो है ये कहता है कि अगर मान लीजिए आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति अगर मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है तो फिर वो आइडेंटिफिकेशन करेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिस भी तरीके से अन्य व्यक्ति अर्सन अरेस्टेड को आइडेंटिफाई कर रहा है वो तरीका उसके लिए सही है, कंफर्टेबल है। तो ये हो गया प्रोविजो फर्स्ट। और प्रोविजो सेकेंड कहता है कि अगर मान लीजिए वो तीसरा व्यक्ति अगर मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को वीडियोग्राफ भी किया जाएगा। ये है प्रोविजो सेकंड। अब मैंने जैसा पहले आपको बोला कि सेक्शन 54A को सीआरपीसी का पढ़ना है सेक्शन 9 के साथ एविडेंस एक्ट, तो वो कैसे, क्योंकि देखो सेक्शन 9 का जो एक पॉइंट है वो ये कहता है कि आइडेंटिटी ऑफ थीम और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज रिलेवेंट, वो जो फैक्ट होगा वो एडमिसिबल होगा एविडेंस में। यही है सेक्शन 9। मान लीजिए कि अगर कोई अक्यूज्ड ने अपराध किया है या किसी वस्तु का इस्तेमाल हुआ है अपराध को करने के लिए, अब ऐसा कोई तीसरा व्यक्ति है कि वो जानता है कि आखिर व्यक्ति कौन है जिसने अपराध किया है या किस विपन का इस्तेमाल हुआ है ऑफेंस को करने के लिए, कोई तीसरा व्यक्ति इस बारे में जानकारी रखता है, तो फिर वो अगर आइडेंटिफाई करता है तो उसके द्वारा जो आइडेंटिफिकेशन में सबूत दिया जाता है वो रिलेवेंट होता है। यही है सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब इससे जुड़ा हुआ जो रिलेवेंट केस लॉज है वो आप एकदम सीरियल वाइज लिख लो। पहला तो अगर एक्यूज्ड और थिंग जिसका आइडेंटिटी रिलेवेंट है अपराध को प्रूव करने के रिस्पेक्ट में, तो वो जो आइडेंटिफिकेशन एविडेंस होगा वो रिलेवेंट माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। ये बात सेक्शन 9 कहती है। और इसके साथ जो केस लॉ आपको पढ़ना है वो है विभावती देवी वर्सेस कुमार रामेंद्र नारायण राय का। उसके बाद जो दूसरा केस लॉ है वो ये है कि इस केस में बताया गया था कि क्या महत्व है टीआई परेड का, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के रिस्पेक्ट में, वो था रामनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो ये बताता है कि अगर टीआई परेड डायरेक्टली पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में हुआ तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ये है ये जो केस जिसमें कहा गया था वो है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस वीसी शुक्ला का। चौथा पॉइंट कि टीआई परेड कब करना उचित होता है, तो इस बात की जानकारी दी गई थी किस केस में, वो है जादूनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। और हम टीआई परेड के तौर पे फोटो फिट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एविडेंस के रूप में, क्योंकि जो फोटो फिट्स है वो एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होता है। ये बात कहा गया था किस केस में, ये कहा गया था रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में। ये रिलेवेंट केस लॉज है, इसे आप राइट डाउन जरूर कर लेना। तो ये हो गया होल एंड सोल कंसेप्ट सेक्शन 54A के रिस्पेक्ट में सीआरपीसी का, रेड विद सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 55 का। सेक्शन 55 बताता है हमें कि कब पुलिस ऑफिसर अपने से नीचे के पदाधिकारी को ये ऑर्डर दे सकता है कि वो व्यक्ति को अरेस्ट करे। तो आइए समझते हैं कि होल एंड सोल कंसेप्ट क्या है सेक्शन 55 का। सेक्शन 55 का जो पहला नंबर पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को, दैट मीन्स थानाध्यक्ष को, या फिर वह पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है चैप्टर 12 के अनुसार, इनमें से किसी को भी अगर ये लगा
क्या लगा कि व्यक्ति कोई है जिसका अरेस्ट करना जरूरी है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, किसी काम में वो फंस चुका है, तो वो चाहता है कि उस व्यक्ति को हमारे से जो नीचे का जो पुलिस ऑफिसर है, जो सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है, वो अरेस्ट करे। तो इसके लिए क्या करेगा, तो कहता है वो निर्देश देगा अपने से नीचे के पुलिस ऑफिसर को, जेन्युइन बात है, और अगर निर्देश देगा तो किस बात को लेकर निर्देश देगा कि हम अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास और भी कुछ काम है, हम किसी दूसरे काम में फंसे हुए हैं, तो तुम जाओ और उस व्यक्ति को अरेस्ट करो, वो भी विदाउट वारंट तुम अरेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बात आपको ये जानना है जो जरूरी है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने से नीचे के सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को निर्देश तभी देगा जब पुलिस ऑफिसर जो ऊपर के रैंक का, जो हायर इन पोजीशन है, वो भी ऑथराइज्ड होना चाहिए व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के रिस्पेक्ट में, तभी वो निर्देश देगा अपने से नीचे के सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को कि वो जाके उसके जगह पे अरेस्ट कर ले व्यक्ति को विदाउट वारंट। अरेस्ट करे इस बात के लिए तो निर्देश देगा, निर्देश कैसे देगा, तो कहता है कि ऑर्डर देगा लिखित में सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को, हायर पुलिस ऑफिसर जो है वो लिखित में निर्देश देगा, और लिखित में जब निर्देश देगा, ऑर्डर देगा, तो उस ऑर्डर में किन किन बातों का जिक्र होगा ये भी नोट कर लो। कहता है कि व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है उसका नाम होगा, उसने कौन सा अपराध किया है उसका जिक्र होगा, और उसको अरेस्ट करना क्यों जरूरी है इस बात का भी जिक्र होगा। उसके बाद क्या करेगा, जैसे सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर मिलेगा उसके बाद वो जाएगा उस व्यक्ति के पास जिसको अरेस्ट करना है और जाके उसको अरेस्ट करेगा। लेकिन अगर जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है वो पूछ ले सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर से कि आपके पास क्या अथॉरिटी है मुझे अरेस्ट करने का, तो वो उस ऑर्डर को दिखाएगा और वो बोलेगा कि मेरे पास देखो आदेश है आपको अरेस्ट करने का, उसके बाद वो अरेस्ट कर लेगा उस व्यक्ति को जिसको उसको अरेस्ट करना था। अब ये हो गया सबसेक्शन 1 से सेक्शन 55 का इतनी सारी बातों की आपको जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेक्शन 55 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 सिंपल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शन 55 में जो अप्लाई होगा सेक्शन 41 पे, क्योंकि देखो यहां पे सेक्शन 55 में विदाउट वारंट अरेस्ट करने का प्रोसीजर बता रहा है हायर पुलिस ऑफिसर के कहने पे सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा, लेकिन सेक्शन 41 कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, अगर मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस है या जो भी मामला, जो भी केसेस आ रहे हैं सेक्शन 41 में, उन केसेस में कोई भी पुलिस ऑफिसर व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो इसलिए कह रहा है सबसेक्शन 2 सेक्शन 55 का कि ऐसा कुछ भी नहीं है सेक्शन 55 पे जो अप्लाई होगा सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी पे। तो ये हो गया होल एंड सोल कंसेप्ट सेक्शन 55 का। दोस्तों आ चुका है अब लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज की इस एपिसोड में हम लोगों ने 2 सेक्शन को देखा है, लेकिन हम लोगों ने हर एक बात को समझा है, हर एक पॉइंट पे बात करी है विद रिलेवेंट केस लॉज। मैं अंततः आप लोगों को यही बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मुझे कमेंट करके भी बताइए। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वारी है, कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, खुद से कैसे खुद का नोट्स तैयार करना है, क्योंकि खुद का नोट्स ही बेस्ट नोट्स होता है, ये आप याद रखना। तो इन सभी बातों पे कोई भी इनकन्वीनियंस आपको है, हर एक इनकन्वीनियंस आपका दूर होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे अपना जो भी दिक्कत है आप मुझे बताओ, मैं आपकी हर एक समस्या को समाधान करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।